सिंपल फॉर कॉल फ्लो है जो कि आपका ऑन होल्ड सिनेरियो है। ऑन होल्ड पे जो चीज रेलिवेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। हमें पता है ऑन होल्ड डालने का क्या मतलब है। ए ने बी को कॉल किया, दोनों के बीच में बिल्कुल बात हो रही है जी, ये लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, दोनों के बीच में बिल्कुल बात हो रही है। थोड़े टाइम बाद बी का मन किया मैं इस कॉल को होल्ड पे डाल देता हूँ, तो इसने कॉल पे जब होल्ड पे डाला, दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, नो आरटीपी, कोई भी बात नहीं हो रही है, कॉल होल्ड पे है। फिर थोड़ी देर बाद बी का मन किया चलो अब मैं अनहोल्ड कर देता हूँ। जब उसने अनहोल्ड किया दोनों के बीच में बात स्टार्ट हो गई। आप दोनों साइड आरटीपी देखो, तो जब भी मैं बोलूँ डिस्कशन हो रहा है, मीडिया एक्सचेंज हो रहा है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आरटीपी। इनिशियली दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, दोनों साइड आरटीपी फ्लो हो रहा था, ए पैकेट्स भेज रहा था, कुछ बोल रहा था बी को सुनाई दे रहा था, बी कुछ बोल रहा था ए को सुनाई दे रहा था, दोनों के बीच में आरटीपी है। जब एक ने होल्ड पे डाल दी कॉल तो ऑफ कोर्स दोनों साइड कुछ नहीं सुनाई दे रहा, दोनों के बीच में पैकेट्स नहीं आ रहे आरटीपी के, यानी बात जो हो रही थी वो स्टॉप हो गई होते हुए। आफ्टर सम टाइम दोनों ने रियलाइज किया, इनमें से एक ने कि मैं कॉल को जो मैंने होल्ड पे डाला उसको अनहोल्ड कर देता हूँ। अनहोल्ड किया, दोनों के बीच में मीडिया सेशन स्टार्ट हो गया, आरटीपी स्टार्ट हो गए। तो आरटीपी ही है जो आपके मीडिया सेशंस को देता है, लेता है, एक्सचेंज करता है, आपकी बातों को दूसरी तरह तक पहुँचाता है, वो आपका आरटीपी प्रोटोकॉल है। बट हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव हम तो समझ गए, होल्ड का मतलब है कॉल होल्ड पे चलेगी, दोनों के बीच में बात खत्म। अनहोल्ड का मतलब है दोनों ने दोबारा बात करनी स्टार्ट कर दी, तो आरटीपी है। लेकिन पॉइंट है हाउ, हाउ इज इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं, सिर्फ कैसे इस चीज़ को गवर्न कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है ऐसा कि नेटवर्क को समझ आ जाता है कि मुझे दोनों के बीच में कॉल को आरटीपी को स्टॉप करना है और आरटीपी को स्टार्ट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आरटीपी को स्टॉप करना है, आरटीपी को सेंड करना है, स्टार्ट करना है, ये किस सिप के मैसेज के ऊपर ये डिसाइड होता है आंसर मिलेगा। जब आप कॉल कनेक्ट करते हो, किसी को कॉल मिलाते हो, ए ने बी को कॉल मिलाया, आपकी कॉल मिलाने के लिए कौन सा मैसेज जो आपको हेल्प करता है वो आपका है इनवाइट मैसेज। कौन सा मैसेज है वो है आपका इनवाइट मैसेज। किसी भी कॉल को इनिशिएट करना इनवाइट पिक्चर में आएगा, किसी भी कॉल को होल्ड पे करना है इनवाइट ही पिक्चर में आएगा, चाहे बी होल्ड पे डाले चाहे ए होल्ड पे डाले, इनवाइट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। किसी कॉल को अनहोल्ड करो तो कौन सा मैसेज या कौन सा सिप मेथड आपकी हेल्प करेगा, अगेन अनहोल्ड के लिए भी आपका री इनवाइट काम करेगा, आप फिर से इनवाइट भेज रहे हो, और इस दैट इज री इनवाइट नॉट रिट्रांसमिटेड इनवाइट। अगेन उसी सेम सेशन के ऊपर आप एक इनवाइट भेज दोगे, राइट, विद इंक्रीमेंटेड ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस आप इनवाइट भेजोगे, यानी कॉल को होल्ड पे डालना है अनहोल्ड पे डालना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, सिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सा मेथड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इनवाइट मेथड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी कभी भी आप बटन प्रेस करते हो हमेशा सोच लेना बटन प्रेस करते सर आपका इनवाइट ही निकलता है कॉल होल्ड करने के लिए। रियल वर्ल्ड में है आप आईएमएस पे हो, आपका अभी आपका हैंडसेट आपके हाथ में है ना, आप अपनी बात करते करते होल्ड पे डाल दो और दिमाग में रखो जब होल्ड पे डाल रहे हो इनवाइट ही निकला है बीच में, पीछे सिप का इनवाइट ही निकला है, बट इनवाइट निकला है तो ऐसा वो क्या ले गया अपने साथ, अपने साथ वो इनवाइट ऐसा क्या ले गया बॉडी में कि सर्वर ने कहा कि दोनों के बीच में आरटीपी बंद कर दो यानी मीडिया बंद कर दो, क्योंकि सर्वर तो इंटेलिजेंट है नहीं, आप कुछ भेजोगे सर्वर रिएक्शन देगा। तो यानी आपने जब कॉल को होल्ड पे डाला, यानी बी ने जब कॉल को होल्ड पे डाला, इनवाइट के अंदर ऐसा क्या भेज दिया यार, ऐसा क्या भेज दिया कि दोनों के बीच में बात होनी बंद हो गई, दैट इज अ क्वेश्चन, करेक्ट। ऐसे ही जब आप कॉल बी पार्टी अनहोल्ड करना चाह रही थी तो उसने इनवाइट के अंदर ऐसा क्या भेज दिया कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दोबारा से, दैट इज द इंजीनियरिंग क्वेश्चन, इंजीनियरिंग आंसर। हमें ये
तो पता चल गया, तीन चीजें हमें पता चली है, जब बात होती है तो आरटीपी आता है, जब बात नहीं होती तो आरटीपी चला जाता है। बट क्वेश्चन उठता है, जब मेरा आरटीपी चला गया तो इसका मतलब मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, जब मेरा आरटीपी आ गया तो मैं अनहोल्ड हो रहा हूँ। तो भाई होल्ड और अनहोल्ड होने के लिए क्या मेरे पास कोई अनहोल्ड मैसेज है? होल्ड पे डालने के लिए क्या मेरा होल्ड सिर्फ मैसेज है? नहीं भाई, इतने सारे मेथड बनाने लग गए तो हो गया काम, आरएफसी या आरएफसी इकट्ठी हो जाएंगी। आप सेम इनवाइट को ही यूज करोगे, कॉल को इनिशिएट करने के लिए भी इनवाइट यूज करोगे, कॉल को होल्ड पे डालने के लिए भी इनवाइट यूज करोगे, कॉल को अनहोल्ड डालने के लिए भी इनवाइट यूज करोगे। तो यानी इनवाइट ही आपकी आरटीपी होगा, ट्रिगर करेगा, आपका आरटीपी नहीं होगा ट्रिगर करेगा। बट इनवाइट के अंदर ऐसा है क्या? तीन इनवाइट निकले हैं ना, पहला तो इनवाइट निकला मेन कॉल के लिए, फिर एक इनवाइट निकला कॉल को होल्ड डालने के लिए, फिर अगला इनवाइट निकला फिर कॉल को अनहोल्ड डालने पे। भाई तीनों टाइम पे इनवाइट के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जो सर्वर को पता चल रहा है कि मैं ये डिसीजन लूँ कि दोनों के बीच में आरटीपी बंद कर दूँ। दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग एरिया। गाइस कॉल फ्लो प्रीकंडीशन क्लियर है? क्योंकि मैं उसके बाद डीप डाइव जाने वाला हूँ। प्रीकंडीशंस कंडीशन छोड़ दे यार, फिर वो ओवरबर्डनिंग हो जाएगा, 183 सेशन इन प्रोग्रेस आ जाएगा, ट्रैक आ जाएगा। जो मेन लॉजिक है वो समझाना चाहता हूँ वो नहीं समझा पाऊँगा। मेन ऑब्जेक्टिव कॉल होल्ड पे डालना है ना। हमने यहाँ पर कोई प्री कंडीशन या डिस्कस ही नहीं की ना, हमने ट्रैक व्रैक नहीं डाला। मैं ट्रैक डाल देता, 200 ओके डाल देता, 183 सेशन इन प्रोग्रेस डाल देता, क्या फ़ायदा उसका? हमें तो अभी प्री कंडीशंस नहीं सीखनी है। प्री कंडीशंस हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी बहुत डीप लेवल पे। प्री कंडीशंस आपकी ऑफर एंड आंसर मॉडल पे डिपेंड करती हैं, राइट? वो हमने बहुत डीप डाइव डिस्कस किया है, लेकिन अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉल कॉल इज ऑन होल्ड, कॉल फ्लो समझ रहे हैं, उसमें उतना ही समझेंगे जितना जरूरत है। अननेसेसरी मैसेज लिया है 183, ट्रैक, यू विल बी ओवरबर्डन, मतलब अदर गाइज विल बी ओवरबर्डन। मेक सेंस? लॉजिकल? Give me a go ahead, then we'll go. You agree, Abhishek? I think Abhishek ने question put up किया था, Abhishek या शुभम ने? क्यों हो गया? Yes, we can proceed, I think, right? हम 183 और प्रैक को यहाँ लाके कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉल होल्ड का सिनेरियो समझाना है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। जब इनिशियल इनवाइट निकला, नोटिस करना, जब इनिशियल इनवाइट निकला वो अपने साथ कुछ एसडीपी पैरामीटर्स साथ लेकर जाएगा, ठीक है? जब इनिशियल इनवाइट निकलेगा जब ये इनवाइट निकला, इसने कुछ ऑफर किया एसडीपी पैरामीटर का, ये एसडीपी पैरामीटर में आपके वीओएससीटी में टीएम में ये पैरामीटर्स जाएंगे एसडीपी के अंदर। इनवाइट निकला, इनवाइट गया, कॉल कनेक्ट होगी, दोनों के बीच में बात हो रही है, ऑफर हुआ, आंसर हुआ, दोनों ने कम्युनिकेशन किया, दोनों ने अपने एसडीपी शेयर कर लिए, तो बेसिक कॉल फ्लो जो आपने अभी पहले समझ रखा है, इनवाइट गया, 180 रिंग गया, 200, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कॉल होल्ड की। जब यहाँ कॉल होल्ड होगा, देखना कौन होल्ड कर रहा है, बी होल्ड कर रहा है। जब बी ने वो होल्ड का बटन पुट किया तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो एसडीपी के अंदर जाकर आप एक एट्रीब्यूट दोगे, उस एट्रीब्यूट को ए इक्वल टू सेंड ओनली दे दोगे। इसका क्या मतलब हुआ? जब उस एट्रीब्यूट को आप यहाँ दोगे तो एक्चुअल में एसडीपी आपका दिखेगा कैसे? आपका एसडीपी का लुक अलाइक बिल्कुल इस तरीके से होगा, जिसके अंदर ये नजर आएगा कि आपका एसडीपी एट्रीब्यूट को इक्वल टू सेंड ओनली लगा के भेज रहे हैं। तो सेंड ओनली लगाने का क्या मतलब हुआ? पूरा अगर मैं आपको मैसेज का एसडीपी पार्ट दिखाऊं,
तो आपका HTTP कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ कि आपको क्लियर नजर आए। रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वॉइस ट्रेसेस के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वॉइस ट्रेसेस खोलूँ तो मेरी स्क्रीन